डीप आंसर्स, आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान। हेलो सर, मैंने आपके कई एपिसोड देखे और मैंने भगवद गीता का अध्ययन भी किया है। मैं समझ तो सब कुछ गया हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर इतना डर है कि मुझसे ठीक से बोला नहीं जाता। पिछले 7-8 साल से मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार वालों के सामने भी डर के बोलता हूँ। कॉलेज में तो मुझसे अटेंडेंस भी नहीं बोली जाती थी। मैं स्पीच थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ। जब मैं अकेले में खुद से बोलता हूँ तो धीरे धीरे पूरे कॉन्फिडेंस से ठीक बोलता हूँ, पर जैसे ही किसी के सामने जाता हूँ डर के कारण बोला नहीं जाता। मैं खुद को समझाता रहता हूँ कि अगर बोला नहीं जाता तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में रहता हूँ। प्लीज इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। आप कह रहे हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ी और समझी है, और दूसरी तरफ आप बोलने से डर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं? भगवत गीता इतना ऊंचा ग्रंथ है कि उसकी एक झलक भी समझ ली होती तो जीवन के शिखर पर बैठे होते। सो भगवत गीता की बात आप साइड में करें। हां, यदि आप वाकई भगवत गीता समझना चाहते हैं तो वो एपिक पर आ रही है, मेहरबानी करके आप उसे देखें, उसे सुने, शायद आपको भगवत गीता से कुछ फायदा मिले। अब रहा सवाल कि आप कह रहे हैं कि आपसे परिवार वालों के सामने भी नहीं बोला जाता, स्कूल में ठीक से अटेंडेंस भी नहीं बोली जाती, आपने स्पीच थेरेपी ली, साइकोलॉजिस्ट के पास गए। मेहरबानी करके एक बात समझ लीजिए कि इन सब बातों से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। यह बीमारी आपके मन के गहरे में पैदा हुई है और यह आपके बचपन की प्रिंट है। बचपन में जरूर 2-4 बार आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला हो और या तो मार पड़ी हो या अपमानित हुए हों, और वो भय आपके गहरे में घुस गया है, और जब तक वो भय दूर नहीं होगा आपकी यह समस्या निपटने वाली नहीं है। सो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, छोटा सा, और सबसे ये निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके बच्चों के साथ सोच समझकर व्यवहार करें, क्योंकि बचपन में पड़ी हुई छोटी सी प्रिंट का मनुष्य को जीवन भर भुगतना पड़ता है। और यही दुख की बात है कि न परिवार वालों को न स्कूल में शिक्षकों को बच्चों से कैसे डील करना यह पता है, और सच कहूं तो यही हर मनुष्य की समस्या है। हर एक के भीतर बचपन की कुछ न कुछ ऐसी प्रिंटें पड़ ही गई है जिसका वो जीवन भर भोग रहा है। खैर, आप इस समस्या से निकलना चाहते तो एक काम करें, रोज 10 मिनट अकेले में जो मर्जी आए बोलते जाइए, और 10 मिनट बाहर जाकर जो मर्जी आए बोलते जाइए। सच बोले, गलत बोले, फंबल हो, उल्टा हो, ये आपकी चिंता नहीं है। कौन क्या रिएक्ट करता है, कौन क्या सोचता है, ये भी आपकी चिंता नहीं है। ये सामने वाले की समस्या है, ये मानकर आप बोल जाइए 10 मिनट अकेले में, 10 मिनट परिवार, स्कूल या दोस्तों में। दिल खोल के बोलिए, जो होता है होने दीजिए, जिसको जो समझना है समझने दीजिए। ये करते करते एक दिन आपके भीतर की प्रिंट कमजोर होना शुरू हो जाएगी और जल्दी आप इस समस्या से निजात पा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind, most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites.
साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।